अभी आप कुमार कार्तिकेय के धर्म वचन सुन रहे थे। ये त्रेता युग सतयुग त्रेता उस समय के वचन हैं और आज भी उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, उपयोग है, उसको समझना और धारण करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। अब संगत की तरफ से कुछ प्रश्न प्रारंभ में दाने जी हैं। परम आदरणीय पूज्य श्री सतगुरुदेव जी के चरण में बार बार नमन, शुभमस्तु। हे गुरुदेव जी, दरबार के आराधना के समय पर यदि हम सम्मिलित नहीं हो सके, किसी कारणवश व्यस्तता हो जाती है, तो उसके पश्चात की आराधना करें तो क्या वह स्वीकार होगी या नहीं? आराधना के समय यदि साधक सेवा में है तो क्या उसकी हाजिरी आराधना में लगेगी या नहीं? और चलते फिरते जो बिना माला के सुमरन हम कर सकते हैं या नहीं? हमारे यहां वैदिक काल से ही ईश्वर आराधना को मुख्य स्थान दिया गया है। ऐसे ऐसे उदाहरण और दृष्टांत हमारे सामने आते हैं कि यदि हम अपनी संध्या उपासना को त्याग देते हैं किसी कारण से, तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि कहते हैं कि यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और हमारे हिंदू समाज का पतन भी इसी कारण से हुआ कि हम लोग अपने नियमों में दृढ़ नहीं रह पाए। हमने उन नियमों की गंभीरता को नहीं समझा। मनसा देवी का नाम सबने सुना है, जो हरिद्वार में मंदिर है उनका। नाग संप्रदाय के राजा वासुकी की बहन थी वो मनसा। उनका नाम था जरत्कारु। ये हम बता रहे हैं कि हमारे प्राचीन काल में संध्या उपासना और आराधना को कितना अधिक महत्व दिया जाता था। तपस्या करते करते उनका शरीर जीर्ण हो गया था, कमजोर हो गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया था जरत्कारु। और उनके लिए जो वर ढूंढा गया, एक ऋषि थे, उनका नाम भी जरत्कारु ही था। ऐसा समझना चाहिए कि नाम जरत्कारु नहीं है, एक उपाधि जरत्कारु हमारे यहां तपसियों की होती थी, जो तप करते करते जर जर हो गए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तप करते हुए जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, शरीर में कमजोरी आ गई है, ऐसे
तपसियों को हमारे यहाँ जरत्कारों कहा जाता था। तो जो जरत्कारों नाम के ऋषि थे वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। राजा वासुकी अपनी बहन के लिए वर की तलाश में थे और ऋषियों ने उनको बताया कि वो जो महान ऋषि हैं, तप करते करते जिनका शरीर जीर्ण हो गया है, आप उनसे प्रार्थना करें। किंतु उन ऋषि ने विवाह के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया। मुझे घर गृहस्थ में नहीं जाना है, तपश्चर्या करके मुझे अपनी आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना है। नाग राजा वासुकी कुछ और देवताओं को साथ लेके ब्रह्मा जी के पास गए। कहा, प्रभु वह ऋषि तो बड़ा तेजस्वी है किंतु विवाह के लिए मना करता है। कहा, तुम उनके पितरगणों के पास जाओ, उनके पितरगणों की चरण वंदना करो और वे कुछ उपाय करेंगे। ऋषि के पितरों के पास राजा वासुकी गए और प्रार्थना की कि आपके परिवार में जो आपका पुत्र है जरत्कारो ऋषि, आप उनको समझाएं जिससे मैं अपनी बहन, वो भी तपस्विनी है, उसका विवाह आपके पुत्र से कर सकूं। वे पितरगण प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको धैर्य बंधाया और कहा, हम उसको मनाएंगे। स्वप्न में वे पितरगण जरत्कारो ऋषि के चेतन अचेतन मन स्वप्न अवस्था में प्रविष्ट हुए और वो ऋषि क्या देखते हैं कि उनके पितरगण नरक में उल्टे लटक रहे हैं। ऐसा स्वप्न का दृश्य उन पितरगणों ने प्रस्तुत किया। ऋषि बड़े घबराए, भयभीत हुए। कहा, हे पितरगणों, आपको प्रणाम है, आपकी ऐसी दुर्गति ये कैसे हुआ? कहा, तुम्हारे कारण से। उन्होंने कहा, मैंने तो बड़ी तपस्या की है। बोले, हाँ तप किया है, किंतु हम देख रहे हैं कि तेरी मृत्यु के बाद हम पितरगणों के लिए कोई भी आधार पृथ्वी पर नहीं बचेगा। हमारा तो एक ही पुत्र है। यदि तू हमारा कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है और अपना भी उद्धार चाहता है, तो इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर। तेरे निकट जो राजा वासुकी अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं, उसको तो स्वीकार कर। पितरगणों के बहुत ज्यादा कहने पर, आग्रह करने पर वो तैयार हो गए। किंतु उन्होंने कहा, मैं हमेशा हमेशा ग्रस्त में नहीं रहूंगा। जब मेरी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी तो मैं फिर से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूंगा। पितरगणों ने कहा, उचित है, ठीक है, किंतु वंश तो आगे चले। कुछ दिन बाद पितरगणों की प्रेरणा से वो राजा वासुकी पुनः जरत्कारो ऋषि के पास गए और कहा, भगवन
मैं फिर से अपनी बहन तपस्विनी के विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। उन्होंने कहा उचित है, किंतु मेरी एक शर्त है। जब मेरे पुत्र हो जाएगा उसके पश्चात फिर मैं ग्रस्त धर्म का पालन नहीं करूंगा। ये आप अगर स्वीकार करें मेरी शर्त तो मुझे मंजूर है। कहा ठीक है। विवाह हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा, देवी मैं स्वभाव से तपस्वी हूं, तुम भी तपस्विनी हो। हम और तुम दोनों जानते हैं कि हमारे जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है। मैं चाहता हूं कि जब हमारा पुत्र उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने की संभावना हो जाए तो पहले ही मैं तुमसे अनुमति लेता हूं कि फिर मैं ग्रस्त धर्म का पालन नहीं करूंगा। उन तपस्विनी ने कहा उचित है, मुझे स्वीकार है। विवाह के पश्चात वो क्षण आया जब उनके पुत्र उत्पन्न होने की संभावना पैदा हुई। देवी जरत्कारों ने अपने पति से कहा, प्रभु अब मैं मां बनने वाली हूं। कहा उचित है। अब उन्होंने ये विचार किया कि किस तरह से मैं पुनः अपने तप में लगूं, तपस्या करूं। ऋषि ने और एक दिन जब संध्या काल हो रहा था, सूर्यास्त होने को था, वे उस समय जानबूझ के सो गए। उनका मस्तक अपनी पत्नी की गोद में था और उनको नींद आ गई, सो गए। अब सूर्य ढलने को है, ढल रहा है। संध्या उपासना का समय निकलने को है। अब वो देवी जरत्कारों सोचती हैं, यदि मैं पति को उठाती हूं तो अवश्य ये नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा था जिस दिन तुमने मुझको नाराज किया या मेरे मन के प्रतिकूल कोई कार्य किया तो हे देवी मैं तुमको हमेशा के लिए त्याग कर वनों में तप करने चला जाऊंगा। और वो तो उनका बहाना था, वो ढूंढ रहे थे ऐसा अवसर और आज ये अवसर उनको प्राप्त हुआ। ना मालूम वो सो रहे थे या जाग रहे थे, लेकिन सोने का नाटक करते हुए वो लेटे हुए थे। उधर देवी जरत्कारों ने देखा पति को उठाऊं तो नाराज हो जाएंगे, ना उठाऊं इनकी संध्या उपासना का समय निकल गया तो और ज्यादा मुझ पर कुपित होंगे और आज दोनों ही अवस्था में ये मुझको त्याग देंगे, ऐसा मैंने समझ लिया है। उन्होंने विचार किया त्याग दें तो त्याग दें, एक दिन तो इनको जाना ही है, इनके धर्म का लोप ना हो, सूर्य अस्त हो जाए और ये सोते रहें, ऐसा उचित नहीं। उन्होंने धीरे से उनके मस्तक पर हाथ रखा, स्वामी उठिए, सूर्य अस्त होने जा रहा है, आपके नित्य उपासना आराधना का समय निकला जा रहा है, उठिए। और वो उठे और बस उनको बहाना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों उठाया,
जानते हो मैं कैसा तपसी हूं, मेरी आज्ञा के बिना ये सूर्य अस्त नहीं हो सकता। जरत्कारो देवी ने कहा, प्रभु अपनी महिमा को आप स्वयं जाने, मैं तो जैसा मेरे मन में आया, जैसा मैंने विचार किया, उसके अनुरूप मैंने आपको जगाया। ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हारा त्याग करके तप करने जा रहा हूं। उन तपस्वनी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी विधाता की इच्छा, आप जाइए, किंतु मेरा वचन सुने। जब आपका ये पुत्र उत्पन्न हो जाएगा और कुछ बोलने लगेगा, चलने लगेगा, इसके संस्कार गुरुकुल में इसको प्रविष्ट करा के मैं भी इसके मोह में बंधी नहीं रहूंगी, मैं भी तपस्या के लिए किसी स्थान को चुन लूंगी। कहा उचित है। तो ऐसे ऐसे ऋषि और ऐसी ऐसी माताएं हमारे यहां हुई। देवी जरत्कारो का नाम ही मनसा देवी पड़ा। उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था आस्तिक, और उसने नागों के वंश की रक्षा की जन्मेजय के नाग यज्ञ से। तो प्रश्न यह है कि आराधना के समय हमें क्या करना चाहिए। हम सेवा में लगे हैं, सेवा भी आवश्यक है, और हमारे यहां तो हर घंटे पर आराधना है। सेवा करते हुए बस एक बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिस समय आराधना हो रही है उस समय हमारा चित्त, हमारा ध्यान आराधना में रहना चाहिए। चाहे हमारी माताएं हैं सेवा कर रही हैं, चाहे हमारे देवता हैं, सेवा करनी ही पड़ती है, उसी से हमारा जीवन भी आगे बढ़ता है, कार्य हमें करने पड़ते हैं। सबको अपने अपने कार्य मिले हुए हैं, उन कार्यों को करते हुए एक स्थिति यह है कि हम इधर की उधर की यहां की वहां की बातें कर रहे हैं और आराधना चल रही है, तो इसमें दोष किसका माना जाएगा? आपकी सेवा का नहीं। सेवा तो महान पुण्य है। मान लीजिए किसी की सेवा गेट पे लगी हुई है और वो वहां आने वालों का स्वागत सत्कार कर रहा है, लेकिन आराधना के शब्द स्वर उसके भी कान में पड़ते हैं, उस समय उसका चिंतन, उसका चित्त, उसके विचार आत्मस्थित होने चाहिए। ये नहीं कि उसी वक्त मोबाइल से बात करने शुरू कर दो और जितनी देर आराधना हो रही है उतनी देर मोबाइल चलाओ, और बाद में आराधना खत्म तो मोबाइल भी बंद कर दो। ये कहा जाता है प्रज्ञा अपराध। या किसी साथी को हम हाथ पकड़ के कंधे पे हाथ रख के ले गए, आओ जरा सुनो, और बातों में लग गए, दुनिया भर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, यहां की बातें, वहां की बातें, तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? आप सोचें हमारे यहां तो हर घंटे पे आराधना होती रहती है। जो आराधना में लगे हैं इनकी तो बुद्धि बेकार हो गई है, इन्हें तो और कुछ काम है नहीं, ये तो भगवान के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं। तो ऐसा सोचना उचित नहीं। सोचना ये है कि जो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी वृत्तियां हमें संसार में ठोकरें खिलाती हैं,
एक तपस्वी में, एक सिद्ध पुरुष में और एक सामान्य व्यक्ति में यही अंतर होता है, यही फर्क होता है। वो अपनी चेतना को, अपने ध्यान को समेट के नहीं रख पाता। उसका ध्यान आराधना के समय भी भटकता है, और आराधना का समय ना हो तो भी भटकता है। और एक सिद्ध पुरुष जब आराधना में है तब भी वो अपने चित्त को एकाग्र रखता है, मौन रहता है और मन ही मन उस परम ब्रह्म को जपता रहता है। और जब आराधना ना हो और कोई सेवा कार्य कर रहा हो तो जो सिद्ध पुरुष हैं, पवित्र आत्मा वाले हैं, वे लोगों से जेड़ मारने में अपना वक्त खराब नहीं करते। दुनिया भर की इधर उधर की बातें बनाने में अपना वक्त खराब नहीं करते। जो मनुष्य इस बात को जान गया है कि तेरा उद्धार किस वस्तु में है और तेरा बिगाड़ किस वस्तु में है, लेकिन ये बुद्धि भी बहुत जन्मों के बाद मनुष्य को प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये है कि हम व्यस्तता के कारण, व्यस्तता है सेवा, सेवा कार्य में लगे हैं और उस समय सेवा करते हुए आपका ध्यान उस परम ब्रह्म में है, मंत्र जप में है, तो ये आपको दुगना पुण्य प्राप्त होता है, दुगना फल प्राप्त होता है मेरे अपने विचार से। क्योंकि आपका शरीर सेवा में लगा हुआ है और आपका मन परमात्मा में लगा हुआ है। और एक व्यक्ति आराधना में बैठा है, शरीर उसका बैठा है, इधर को देखता है, उधर को देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, चारों तरफ को उसकी आंखें घूम रही हैं और माला फड़ 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 जल्दी जल्दी जल्दी, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल, इधर उधर की बातें, तो वो आराधना भ्रष्ट है, वो आराधना खारिज है, वो आराधना व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं। क्योंकि हमारा शरीर उस आराधना स्थल में है किंतु हमारा मन वहां नहीं। लेकिन इससे आप ये ना समझें कि आराधना में बैठने वाले तो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं। विषय की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। मन ही धर्म आचरण का मुख्य कारण होता है। धर्म मन प्रधान है। आप माला भी जप रहे हैं लेकिन मन आपका उसमें नहीं है। माला हाथ में है और माला तो हाथ में फेर रही है लेकिन मन दूर कहीं झील के किनारे पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति से अपने मन को बार बार हमें अपने भीतर अंतःकरण में लाना चाहिए। और यही सेवा कार्य के समय की बात है कि आप सेवा में लग रहे हैं और दुनिया भर की इधर उधर की चकड़ चकड़ बकड़ बकड़ तो उसको आप क्या कहेंगे ना, आपकी वो सेवा भी बेकार ही जा रही है। दुनिया के इधर उधर के विषय विकारों की आप बातें कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, वो ऐसा वो ऐसा, और बोलते बोलते रुक नहीं रहे, तो आपकी सेवा भी धूमिल हो जाती है, मलिन हो जाती है। उसमें सांसारिक विचार, कलह के विचार, कलेश के विचार, दूसरों के अशुद्ध विचार उस अन्न में, मान लीजिए रसोई में आप हैं तो उस अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं। हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। मन में जो आशा तृष्णाओं की इच्छाएं प्रबल रूप से व्यथित करती रहती हैं, वे कैसे दूर होंगे ब्रह्म उपासना से।
और ब्रह्म उपासना एक स्थिति है, कंडीशन है, कंडीशन ऑफ माइंड, कंडीशन ऑफ थिंकिंग, कंडीशन ऑफ थॉट्स, हमारे विचार। हमें अपने विचारों का साक्षी बनना चाहिए। साक्षी किसको कहते हैं? जैसे हमारे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, गहराई से उनको देखें, उनका निरीक्षण करें। कल्पना कीजिए, ये आपका शरीर है और आप इससे बाहर इधर खड़े हुए इसको देख रहे हैं और इसको वाच कर रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है। जैसे किसी विद्यार्थी को एक अध्यापक वाच करता है, उसका निरीक्षण करता है, देखता है ये विद्यार्थी कर क्या रहा है। क्लास में जरूर बैठा है लेकिन इसका दिमाग क्लास में नहीं है। ऐसे ही हमारे भीतर तमाम इच्छाएं संसार की, सुख की, स्वाभाविक रूप से सबके भीतर उठती रहती हैं और उन कामनाओं के पीछे पीछे हमारा मन भटकता रहता है। जैसे जंगल में कोई बकरी, यहां अच्छी घास है और आगे और अच्छी है और आगे और अच्छी है और फूल भी खिल रहे हैं वहां, तो वहां चलूं, और वहां गई और वहां भेड़िया बैठा है वो खा गया, या चलते 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 बड़े हरे हरे पेड़ हैं और वहां जाऊं और कुआ है वहां और उस गड्ढे में गिर गए, मर गए, निकालने वाला कोई मिला नहीं। ठीक ऐसी ही स्थिति हर जन्म में हमारी होती है। हम लोग, हम सभी, हमारा सबका ऐसा स्वभाव है, चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। सोचे सोचना हो वही जे सोचे लख बार सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। सोचने की दिशा, दो दिशाएं हैं इसकी, एक तो संसार। अधिकतर हम संसार की बातों को ही सोचते रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन्हीं के विषय में हम सोचते रहते हैं, किसी से हमें कलेश मिलता है उस कलेश के विषय में सोचते रहते हैं, किसी से हमें प्रेम प्राप्त होता है उसके प्रेम के विषय में सोचते रहते हैं, और वो एक हमारा सीमा, हमारा एक दायरा बन जाता है। उस दायरे को तोड़ के हम ऊपर उठें, जस्ट लुक ओवर, थोड़ा ऊपर देखें। संसारिक अपने विचारों में हम घास में मच्छरों की तरह भिन्न 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 करते रहते, उससे ऊपर उठे। जितना ऊपर उठेंगे ताजी हवा का एहसास होगा। आप पहाड़ पे जाइए, जितने ऊंचे पर्वतों पे आप जाएंगे वहां उतनी शुद्ध वायु होगी, शांति होगी, वहां का वातावरण, वहां का वायुमंडल बड़ा पवित्र, बड़ा शांत, मन को प्रसन्न करने वाला होगा। ठीक यही स्थिति हमारे विचारों की है। जब हम अपने सांसारिक विचारों में टक्करें मारते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, और जब हम उनसे ऊपर उठते हैं, ईश्वरीय विचारों में जाते हैं, महापुरुषों के विचारों को जब हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस समय हमारी स्थिति कुछ और होती है। मन में आशा, तृष्णा, इच्छाएं प्रबल रूप से व्यथित करती। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी व्यथा का कारण क्या है। जिन कामनाओं के पीछे हम परेशान हैं, अगर वे कामनाएं हमारी पूरी हो गई या पहले पूरी हुई होंगी, तो क्या उनसे हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो गई?
कभी नहीं होती। कुछ भी अच्छे से अच्छा खा लो, फिर अगले दिन और उससे भी अच्छा चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनको अपने मन में हम जानते हैं। उन कामनाओं के पूर्ण होने के बाद भी क्या भविष्य में कभी हमें उन इच्छाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? रोज पड़ेगी, रोज पड़ेगी, रोज पड़ेगी, रोज हम उन्हीं में उलझे रहेंगे। कितने जन्मों से हम उन्हीं कामनाओं के पीछे बकरियों की तरह घूम रहे हैं। यहाँ घास अच्छी, ये अच्छी है, ये अच्छी है, आगे तो और भी अच्छे फूल खिल रहे हैं। बस इसी में हमारे जन्म के जन्म बीत जाते हैं। जब हम गुरु के ज्ञान को सुनते हैं, जब हमारे भीतर ब्रह्म कामना प्रकट होती है, ईश्वर की तरफ को जब हमारी चिंतन की धारा उठती है, तब इस जंजाल से, इस घास फूस से हम ऊपर उठते हैं। और केवल एक वो परमात्मा, परम पुरुष, हमारा सनातन मित्र ही ऐसा है जिसके निकट पहुंच के हमें फिर कोई बाकी इच्छाएं रह ही नहीं जाती। सब कुछ अंत हो जाता है, सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। बड़े बड़े सोने चांदी के महल, बड़े बड़े राजपद, सब व्यर्थ। खाना पीना, वासनाएं, सब कुछ बेकार। उस तरफ फिर हमारा मन ही नहीं जाता। उस परम ब्रह्म परमात्मा से जिनका प्रेम अटूट लग गया है, वे पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। फरिश्ते क्या कौओं के घर में भिक्षा मांगने आते हैं? नहीं, वे फरिश्ते उस अति सौंदर्यवान, अमृत बरसाने वाले परमात्मा के प्रेम में निमग्न रहते हैं। उनका हृदय शांत हो जाता है। फिर वे कौवे, बगले, उल्लुओं के घर में जो वे खाते हैं, उल्लू क्या खाता है, कौवा क्या खाता है, बगले क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े, मांस, इनकी इच्छा नहीं रखते। फरिश्तों के भी पंख होते हैं, बड़े सौंदर्यवान होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, उनमें अपराध, गुनाह, बुराइयां रत्ती भर भी नहीं होते। परमात्मा ने अपने शुद्ध प्रकाश से उनका निर्माण किया है। हम मनुष्यों का निर्माण पाप और पुण्य दो तत्वों से हुआ है। कभी हमारे भीतर पाप प्रबल हो जाता है, कभी हमारे भीतर पुण्य प्रबल हो जाता है, कभी दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों की स्थिति बराबर बनी रहती है। इन दोनों तत्वों से जब हम ऊपर निकलते हैं, पांच तत्व गुण तीन से पारा, जहां मेरे साहिब का दरबारा। पांच तत्व पंच विकार अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये स्वयं ही नीचे रह जाती है जब हमारी उड़ान उस परम ब्रह्म परम पुरुष की तरफ होती है। बस उसका प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, किसी दीपक की तरह, ज्योति की तरह उसका प्रेम हमारे भीतर ज्योतिर्मान हो उठे, फिर समस्त वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का अंधकार स्वतः विलीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस संसार में
जब जाना ही है और अंत सत्य यही है कि मृत्यु निश्चित है, तो फिर गुरुदेव यह जानते हुए भी हम उस अपने अंत समय को याद नहीं रख पाते, इसका क्या कारण है? याद तो रहता है, हमें जाना है यही। जब हमारे हृदय में ये बात बैठ गई, हम अपने स्वभाव की बात बताते हैं। जब हमारी आयु हुई 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15, 16, 17, 18, एक एक वर्ष को मैं गिनता, हाय इतने साल हो गए, कुछ करके नहीं दिया, कुछ नहीं करा, और परमात्मा ने अभी बुला लिया और पूछा क्या किया है, क्या करके आए हो, तो मेरा मन अफसोस में, दुख में डूब जाता। और 19वें वर्ष में बहुत ज्यादा ये सोच सोच के मैं परेशान होता रहता, प्रतिदिन क्या होगा, संसार से जाना है और मैं कौन सा अच्छा काम करूं, कुछ दिखाई नहीं देता था, क्या करूं, बुद्धि नहीं, अब भी नहीं है। मैं परमेश्वर को पत्र लिखता रहता, जैसे किसी मित्र को पत्र लिखते हैं, बहुत सारे पत्र मैंने लिखे, बहुत लिख के, प्रतिदिन दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कहां आऊं, मैं कहां जाऊं, जो जो मन में आता था वो मैं लिखता रहता, लिखता रहता, लिखता रहता, और उसके 10 रजिस्टर भर गए, जिनका नाम बाद में देवगंधा, ईश्वर की सुगंध नाम से, उनको कुछ उसमें थोड़ा ठीक ठाक उसको करके उसको छपवाया। तो मैं ये बताता हूं, ये बता रहा हूं कि इतनी व्याकुलता, इतनी हृदय में इतनी परेशानी मुझको होती थी, हाय मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं, परमात्मा कौन सी बातों से खुश होगा, उसका नाम भी जपता रहता था, माला भी जपता रहता था बचपन से, और अब भी यही लगता है, अब भी यही है, क्या करें, कौन सा उत्तम कार्य करें, जितना कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, किस तरह से सेवा करें दूसरों की जो परमात्मा प्रसन्न हो, किस तरह से साधना करें जो प्रसन्न हो। 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता हमें ले गए, सब दिखाया, ये वो परमात्मा से बात भी हुई, बिल्कुल हुई, ये ना अभिमान की बात है, और कहूं कि नहीं हुई तो ये असत्य होगा, हुई, मैंने देखा, आमने सामने देखा, जिसको हम परम आत्मा, परम ब्रह्म, परम पुरुष कहते हैं, विराट पुरुष जिसको कहते हैं। और उसके बाद भी यहां हम लोग आराधना भी करते हैं, जो समझ में आता है उतना करते हैं, लेकिन मन में यही रहता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, प्रतिदिन ये सोचता रहता हूं, हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा काम बता दे जिससे तू खुश हो जाए, समझ में ही नहीं आता। सूरज निकलता है, सूर्योदय पे भी प्रार्थना करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, फिर यज्ञ हवन भी करते हैं, रात में 2 बजे भी करते हैं, हर घंटे पे आवाज आती रहती, कानों में तो पड़ती रहती है, आप लोग तो बहुत सेवा भी करते हो, मैं तो वैसे ही बैठा रहता हूं, सेवा भी कुछ मुझसे नहीं होती, गुस्सा भी आता है तो किसी को कुछ भी कह देते हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, यह तो हमें सोचना चाहिए कि परमात्मा हमसे कैसे खुश होगा, कैसे खुश होगा, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, सब कम है, कम है, कम है।
तो ये तो ध्यान में रहता है कि जाना है, बिल्कुल ध्यान में है, प्रतिदिन ध्यान में है, एक एक दिन निकल रहा है ये भी ध्यान में है, और कुछ कर भी नहीं पा रहा ये भी ध्यान में है। क्या करें, ये कुछ सोचना चाहिए, बैठ के हमें योजना बनानी चाहिए, कौन से उत्तम कर्म हम करें जिससे मानवता की हम सेवा कर सकें। कुछ नहीं कर पा रहे, अपने ही मन के उलझाव में हम लोग उलझ गए हैं, उलझे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो ही हमें दिशा दिखाएगा, और हमारा जीवन व्यर्थ ना हो, बेकार की बातों में हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए, राग द्वेष में हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए, वो प्रभु परमात्मा ही हमें इससे निकालने वाला और बचाने वाला। अगला प्रश्न है, मोह के कारण कल्पना शक्ति भी नहीं रहती, विवेक भी नष्ट होकर महा अंधेरों में डूब जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी अवस्था में जीव असहाय हो जाता है। इस अवस्था में क्या करें, प्रार्थना करें, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। नामदेव एक महान संत हुए, उनकी ये वाणी है, हे प्रभु मैं तो अंधा अंधे जैसा हूं, आंखें जरूर हैं लेकिन ज्ञान की आंखें नहीं है, मैं संसार में कभी अहंकार में भर जाता हूं, कभी क्रोध में भर जाता हूं, कभी लोभ लालच में भर जाता हूं, कभी वासनाओं के पीछे धक्के खाने चला जाता हूं, मेरी ऐसी खराब स्थिति है। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, कोई अंधा आदमी है और हाथ में एक लकड़ी रखता है, उसे ठुक 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 ऐसे करके चलता है, खुंदकारा, ठुक ठुकाता हुआ लकड़ी को चलता है, तो उसे कुछ एहसास सा होता रहता है, हाँ इधर को जाऊं इधर को जाऊं इधर को, ऐसे ही हमारी दशा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम हम ले जरूर रहे हैं पर उल्टा सीधा पता नहीं तुझे कबूल है या नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि उन शुद्ध पवित्र आत्मा वाले ऋषि मुनियों जैसी नहीं, हमारे मन में तो असंख्य विकार भरे रहते। हे प्रभु तू ही इस अंधकार से हम आत्माओं को निकाल सकता है, हमारे अपने भीतर कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई हुनर नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं, तो बस प्रार्थना करें, मैं भी करता हूं आप भी करें, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, ये विश्वास हमें रखना चाहिए। जब रात दिन हम चिल्लाते रहेंगे, आधी रात उठ करें इबादत, उठ के भौंकें कुत्ते हैं, जब उस परमात्मा के दरवाजे पे पड़े और हु हु कर रहे, तो सुनेगा तो या तो डांट फटकार लगाएगा या प्यार करेगा, दो काम तो करेगा ही। जब तंग आ जाएगा हमारे हु हु सुन के, तो या तो वो उठा के दो चार मारेगा, चुप क्यों नहीं होते, चलो चुप हो गए तो इसमें खुश है तो हम चुप हैं, या वो हमें प्यार करेगा, ओहो कैसे कैसे सुर निकाल रहे हैं चंकी जैसे, तो भी ठीक ही है, हमारे हक में दोनों बातें अच्छी हैं। तो प्रार्थना में और नाम सिमरन में, मंत्र जप में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए, ये इसका समाधान है। जैसे सूर्य के अस्त होने पर मंद मंद प्रकाश वाली दिशाएं काली होती चली जाती हैं, संपूर्ण इंद्रियों की शक्तियां भी धुंधली पड़ जाती हैं। बिल्कुल बड़ा काव्यात्मक वर्णन किया है दानी जी, संपूर्ण इंद्रियां शक्ति भी धुंधली पड़ती चली जाती है, अर्थात जीव हर प्रकार से क्षीण होता चला जाता है, लेकिन परमात्मा तो क्षीण नहीं होता,
वो हमारे मन में भी है, शरीर में भी है, इंद्रियों में भी है, आत्मा में भी है। ये खोल खोल तो पुराना हो ही रहा है, प्रतिदिन पुराना हो रहा है। ऐसे में अपनी चेतन अवस्था कैसे जागृत हो, इसका उपाय बताएं। उपाय वही है, सुमरन सुमरन सुमरन। एक तो एक तो एक तो हमारी वृत्ति, हमारे चिंतन की धारा उस प्रभु परमात्मा से निरंतर जुड़ी रहे, निरंतर जुड़ी रहे, यही एक उपाय है। और अगर जब जब हमारा ध्यान अपने वातावरण पे जाएगा, पर्यावरण पे जाएगा, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं उस पे जाएगा, तो निश्चय ही उसमें हमें खिन्नता, अप्रसन्नता, दूसरों की कमियां, अपनी कमजोरी और कभी कभी अपनी खूबियां और दूसरों की बुराइयां, ये अवश्य ध्यान में आती रहती। और इस अपने मानवीय स्वभाव से हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। भला जो देखन मैं चला, भला मिला नहीं कोई। ध्यान से सुने दाने जी, भला जो देखन मैं चला दुनिया में। अरे भैया, दुनिया तो बड़ी बुरी है, बहुत ही बुरे, बहुत बुरे, और तू तू तो सबसे ही बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। भला जो देखन मैं चला, भला मिला नहीं कोई, और जो घट खोजा अपना, मुझसे भला ना कोई। सारी भलाइयां, सारे गुण अपने भीतर दिखाई पड़ते हैं, और सारी बुराइयां दूसरों में दिखाई पड़ती हैं। परिव्राजक साधु कौन होते हैं? परिव्राजक जो दीक्षित हो गया वही परिव्राजक है। परिव्रज जिन्होंने ले ली है सन्यास की दीक्षा, जिन्होंने ले ली है, जिन्होंने सन्यास के वस्त्र धारण कर लिए हैं, वे सन्यासी हैं, परिव्राजक उन्हीं को कहते हैं। और वो परिभ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूम घूम के वो अपने उपदेशों से, अपने उच्च व्यवहार से, उच्च आचरण से लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। ये उनका धर्म होता है। देवपुत्र दक्ष हैं बॉम्बे से, हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले और रोशनी मेला। प्रार्थना में ये जो पंक्ति आती है, अंधेरा क्या है और उजाला क्या है, यह कैसा होता है? छोटा बच्चा है दक्ष, उसका ये प्रश्न है। सद्बुद्धि को ही उजाला कहा गया है, ज्ञान बुद्धि हमारे भीतर है तो हमारे जीवन में उजाला हो जाता है, और दुर्बुद्धि हमारे अंदर है, बड़ों की बात नहीं मानते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने मित्रों को हम कुछ समझते नहीं, उनका आदर नहीं करते, उनसे बोलना छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये अंधकार है। गुरु जिस दिशा में हमें ले जा रहे हैं उस दिशा में हम जाते नहीं, और जिधर से रोक रहे हैं उधर से रुकते नहीं, यही अंधकार है। जब हम ज्ञान की तरफ जाते हैं, जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं, जब हम पुण्य कर्मों की तरफ जाते हैं, तो हम प्रकाश की तरफ आरोहण कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। जानामि धर्मम् न च प्रवर्ति। दुर्योधन ने कहा था, कृष्ण महाराज ने कहा, दुर्योधन तुम जानते हो उचित क्या है, अनुचित क्या है, फिर भी तुम उचित को क्यों नहीं मानते और अनुचित को क्यों नहीं त्याग देते? तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी दुर्बुद्धि
और मेरे दुष्ट विचार वाले जो साथी हैं वे मुझे धर्म में स्थित नहीं होने देते, मेरी उस धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है, पाप क्या है, बुराई क्या है, लोभ क्या है, लालच क्या है, मन इंद्रियों के विषय विकार क्या है, जानता हूं। पर मेरे साथी ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले हैं, उससे वे मुझे निकलने नहीं देते, निकलने नहीं देते। हम जानते हैं अंधकार क्या है, हम जानते हैं प्रकाश क्या है, दुर्बुद्धि के कारण, दुष्ट संगति के कारण, दुष्ट साथियों से हमें प्रेम हो गया, उनको खुश रखने के कारण हम बुराइयों को नहीं छोड़ पाते। अगला प्रश्न है, वृषभ पुरुष किसको कहते हैं और वृषल पुरुष किसको कहते हैं? जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जो धर्म में स्थित है, जो धर्म आचरण के द्वारा अमृत और शांति की वर्षा जगत पे करता रहता है, उसको वृषभ कहा जाता है। जैसे महादेव शिव के जो शिष्य हैं नंदी, उनका एक नाम वृषभ भी है, ऋषभ भी उसी को कहा है। वृषभ संसार पर अमृत कण बरसाने वाला ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी वो होता है जिसने उस ज्ञान को अपने भीतर इकट्ठा कर लिया है और वैसा ही उसका आचरण भी हो गया है। केवल ज्ञान की बातों को पढ़ के सुनाना, गा के सुनाना, कह के सुनाना और ज्ञान के विरुद्ध आचरण करना, दुराचरण में फंसे रहना, ये ज्ञानी पुरुषों के लक्षण नहीं। जिसने हृदय से संसार की वासनाओं का त्याग कर दिया है, जिसने उस परम ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान अमृत को, उसकी भक्ति के अमृत को अपने हृदय में बसा लिया है और उस अमृत को वो संसार पर बरसा रहा है, जो भी उसकी संगति में आता है उस ज्ञान से उनको शांत करता है, उस पुरुष को वृषभ पुरुष कहा जाता है। नंदी स्वयं जो उस परमानंद में स्थित है और दूसरों को भी परमानंद में ले जाता है। सुमनसा वस्वी रंति सुनरी, जब हमारी वाणी सत्य में स्थित हो जाती है तब हमारी आत्मा को भी वो ज्ञान युक्त वाणी सुनहरा बनाकर उस ज्योतिर्ब्रह्म में स्थापित कर देती है। और वृषल पुरुष कौन है? वृषल वृषली, पाप आचरण में लगा हुआ, बुराइयों में लगा हुआ, उन पाप आचरणों को कभी भी जो त्यागता नहीं है वो वृषल पुरुष कहा जाता है। तरण पाणी और रत्न पाणी वेद में किसको कहा है? जो संसार में तिनके चुग रहा है, जिसके हाथ में तिनके ही तिनके हैं। पाणी माने हाथ और तरण माने तिनके। तरण पाणी बेकार के कामों में जो लगा हुआ है, जिसकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो उसका आचरण वैसा नहीं। दुनिया में जो बेकार की वस्तुएं जो उसके साथ जाएंगी नहीं, उनको इकट्ठा करता रहता है, अपने मन के अनुसार चलता है। जैसे सांप पूंछ की तरफ से चलना शुरू करे तो कहीं भी जाके गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को तरण पाणी कहा गया है। वो संसार में
तिनके घास फूस मट्टी कंच बेकार की वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है। जिन वस्तुओं से उसके अपने हाथ ही घायल रहते हैं, बिंध जाते हैं, और रत्न पानी जो संसार में उत्तम कर्म करता है, पवित्र कर्म करता है, ज्ञान रत्नों को जो इकट्ठा करता है, जिसके हाथ में संसार से जाते समय रत्न होते हैं, सेवा सुमरण साधना तपश्चर्या पुण्य जिसके हृदय में होता है, धर्म आचरण जो करता है, उस पुरुष को रत्न पाणी कहा जाता है। सोम पुरुष यम पुरुष, सोम पुरुष वो होता है जो ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा अपने ओज को अपने शरीर के भीतर एकत्र करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस अमृत को जो बिखरने नहीं देता, उस अमृत की शक्ति से वो निरोग रहता है, प्रसन्न रहता है, बुद्धिमान बनता है। उस पुरुष को हमारे यहां ऋषियों ने सोम पुरुष कहा है। सोमपाल आपने नाम सुना होगा, सोमपाल भी उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने सोम का रक्षण करता है, तेज का रक्षण करता है, रक्षा करता है, वो स्वयं उस तेजस्विता से दीप्तमान रहता है, निरोग रहता है, प्रसन्न रहता है, परम ब्रह्म के ध्यान में लगा रहता है। और यम पुरुष यम नियम का जो पालन करता है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य ऐस्तेय अपरिग्रह शुचिता पवित्रता संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्रणिधान, ये 10 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का जो कठोरता से पालन करता है, सावधानी से पालन करता है, उसको हमारे यहां ऋषियों में यम पुरुष कहा जाता है। वसु 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जो ग्रस्त में प्रविष्ट होता है, उस ब्रह्मचारी को हमारे यहां वसु कहा जाता है। 36 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर ग्रस्त होता है, उसको हमारे यहां रुद्र कहा जाता है। 48 वर्ष में 48 वर्ष तक जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या में लगता है, उसको हमारे यहां आदित्य पुरुष कहा जाता है। और उससे भी आगे जो जीवन भर परम ब्रह्म के ध्यान तपश्चर्या ब्रह्मचर्य में लगा रहता है, उसको साध्य गण कहा जाता है। ऐसे साध्य गण देवलोक में, ऋषि मंडलों में, स्वर्ग में, जगह जगह और पृथ्वी पर भी निवास करते हैं, और ये सबसे अधिक संसार का कल्याण करने वालों में कहे जाते हैं। आज बस इतना ही। शुभमस्तु। एक सूचना आप सुने, 11 नवंबर से 14 नवंबर दीपावली के प्रातःकाल तक यजुर्वेद के समस्त मंत्रों से संपूर्ण यजुर्वेद का यज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप आइए, घृत समिधाएं सामग्री वगैरह आप लाएं आहुति के लिए और पुण्य के भागी बने। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।